तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एंटी लॉक कैसे देखते हैं। एंटी लॉक की टेबल देखना बड़ा आसान होता है और किस तरीके से देखा जाता है उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो किसके बारे में है बच्चों? आंटी लॉग। आंटी लॉग नहीं है भाई, आंटी लॉग देखना नहीं सिखा रहा हूँ। आंटी लॉग देखना तो तुम्हें आता ही होगा। आंटी लॉग नहीं, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग देखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। एंटी लॉग कैसे देखते वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को कि एंटी लॉग बना कैसे, किस तरह से एंटी लॉग की ओरिजिन हो गई है वो समझना। जैसे मान लो लिखा है लॉग एक्स लिखा है और बराबर में कोई वाई है, तो अगर मैं क्या करता हूँ लॉग को यहां से यहां लेके चले जाता हूं तो वो क्या आ गया, ये सर बन गया एंटी लॉग ऑफ वाई। सिंपल, यानी एक्चुअली में क्या है, ये रिवर्स है। किसका रिवर्स है? रिवर्स ऑफ लॉग। लॉग का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी लॉग। सिंपल है, एंटी लॉग में और कोई लोचे नहीं है कि लॉग से ही बना हुआ है। अगर हम लॉग को उधर साइड में लेके जाते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा, जब एंटी लॉग के लिए देखते हैं तो हमेशा याद रखना क्या चीज, कुछ बातें बता देता हूं मैं, ध्यान से देखते चलना। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। एंटी लॉग के लिए कुछ बातें थोड़ा ध्यान रखना है, क्या कि जब हम आपको एंटी लॉग पढ़ा रहे हैं और एंटी लॉग की टेबल देखना सिखा रहा हूं, एक्चुअली मतलब टेबल देखना सिखा रहा हूं मैं यहां पर, तो इसके लिए दो वैल्यूज हो सकती है बच्चों। हो सकती है कि हो सकती है क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, और हो सकती है कि वो कैसी हो, नेगेटिव वैल्यू वाली हो, नेगेटिव वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक हो, कैरेक्टरिस्टिक हो। तो ये याद रखना कि हम जब दोनों के देखते हैं वैल्यू को तो दोनों को तरीके से सिखाया जाएगा वो कैसे होता है वो समझना। एक बार पहले पॉजिटिव वैल्यूज को सिखाऊंगा। सपोज करो कि मुझे देखना है किस चीज की वैल्यू को, एंटी लॉग 2.4312 ऐसे देखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि डेसिमल के बाद ही देख सकते हो। तो याद रखना कि एंटी लॉग, ठीक है, कैन बी सीन, ठीक है, इन टेबल आफ्टर डेसिमल ओनली, मतलब डेसिमल के बाद ही, यानी ये देखेंगे नहीं। पहले लॉग में क्या होता था कि इन दोनों को साथ में लेते थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें डेसिमल के बाद वाला जो हमारा मंतीसा होता है उसी में देखना होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 43 के फर्स्ट कॉलम में जाना पड़ेगा, 43 के फर्स्ट कॉलम में जाना पड़ेगा और उसको हमको देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है 43 के बच्चों जाके कॉलम में। जरा देखना स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारे मैंने यहां लगा दिए साइड में, देख लेना एक बार यहां पर क्या आ रहा है कि 43 के फर्स्ट में जाओ बच्चों। तो मैं भी अपनी टेबल में देख लेता हूं 43 के फर्स्ट में, 0.43 है ना, 0.43 के फर्स्ट में। तो मैं देख पा रहा हूं 43 के फर्स्ट में, तो ये हो गया तुम्हारा 0 और ये हो गया 43 का फर्स्ट, 2698। तो आ रहा है 2698। फिर सेकंड के मीन डिफरेंस में जाओ, ये कौन है कॉलम, ये कौन है कॉलम, ये कौन है मीन डिफरेंस। तो फिर किस में जाओ, मीन डिफरेंस में जाओ। तो जरा देख लो मीन डिफरेंस 2 है, तो 43 के मीन डिफरेंस में गए हम लोग 3 में, थर्ड वाले में 0 1 2 3 1 2 3। 43 के, एक मिनट जरा रीवेरीफाई कर लूं मैं इस चीज को, 2 है भाई। तो कितना आ गया, ये 0, ठीक है, ये 0, ये तुम्हारा 7 और ये 2, ये आ गया हमारे पास। जी सर, अब ये आने के मतलब क्या होता है कि मैं क्या करूंगा कि जो रिजल्ट आया है ना इसमें डेसिमल हमेशा यहां लगा दूंगा पहले रिजल्ट के बाद, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 10 की पावर बन जाएगी, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2, दैट्स इट। ऐसे यानी अगर मैं इसको इससे इनटू कर दूं, इसको इससे अगर इनटू कर दूं तो 100 गुना बढ़ जाएगा, तो 27, समझ रहे हो ना यहां पर कि 100 गुना बढ़ जाएगा, तो 20 से यहां पर पॉइंट चले जाएगा, यहां पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं इसको इससे इनटू कर दूं तो। समझ में आ रही बात है? तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, इसके अंदर खत्म। एंटी लॉग इस तरीके से देखा जाता है। तो एंटी लॉग के लिए क्या करना है बच्चों आपको, कि जाओ पहले रीडिंग में जाओ, शुरू के में देखो, फर्स्ट कॉलम में जाओ, मीन डिफरेंस में जाओ, दोनों को ऐड करो, डेसिमल हमेशा यहां लगा दो, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी पावर बना दो,
सपोज करो मैं एक और नेगेटिव वाला दिखाता हूँ, मान लो एंटी लॉग है मेरे पास -2.46 का देखना है, सपोज करो ये इसका देखना है, तो तुम इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, इसको तुम डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसको पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलना पड़ेगा। तो इसका रूल ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, रफ में यहां साइड में लिखा देता हूं, माइनस का 2.46 है तो इसमें प्लस वन कर देते और माइनस वन कर देते, प्लस वन कर देते और क्या कर देते हैं, माइनस वन कर देते हैं। तो प्लस और माइनस वन करने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया जाता है। तो पर मैं आपको ऐसे सिखा देता हूं कि जो पॉइंट वाला नंबर हो ना, ये वाला पॉइंट वाला, ठीक है, तो पॉइंट के इधर वाला नंबर है, इधर वाला नंबर उसको वन में से लेस कर लो, तो वन में से अगर 0.46 लेस करते हो, है ना, तो क्या आएगा बताओ, 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5, ये ऐसा करके 0.54। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा एंटी लॉग, इसको एक बढ़ा दो, 3 के ऊपर ऐसे बार लगा दो, जो इधर वाला है उसको 1 में से लेस कर दो, तो कितना आ गया ऐसा। अब मैं इसकी वैल्यू चेक कर सकता हूं, है ना, अब इसको पहले प्लस और माइनस करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, इसको बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको एक रेज किया गया है और बगल वाले को 1 में से लेस कर दिया गया। अब ऐसा करने के बाद क्या करूंगा मैं, 0.54 उसके बाद तो नंबर नहीं लिखा, तो उसका मतलब जीरो में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, जीरो में, तो 0.54 के जीरो में जाओ, 0.54 के जीरो में जाओ, देखो मैं दिखता हूं, 0.54 के जीरो में, 0.54 के जीरो में तो आ रहा है 3467। मैंने कहा था ना डेसिमल यही लगे, क्योंकि उसके बाद तो कुछ नंबर है ही नहीं, 0.54 के बाद नंबर नहीं था, जीरो में देख लिया उसके बाद नहीं देख सकते आप, तो 3.467 आ गया, इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3, जो इस साइड में होगा 10 की पावर -3। मैं एक और समझा देता हूँ थोड़ा सा, कई बार बच्चों को दिक्कत देता है, जरा देखना एक बार, मान लो कि एंटी लॉग देखना है मेरे को -3.20 का ऐसा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली नहीं देख सकता इसका, डायरेक्टली नहीं देख सकता, पहले वो प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा, इसको एक बढ़ा दो, 4 पे ऐसे बार लगा दो, इसको 1 में से लेस कर लो, तो 0.80 रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 0.80 का 0 में देखूंगा, 0.80 का, क्योंकि डेसिमल के बाद देखते हैं, तो 0.80 का देखो 0 में कितना आ रहा है, 0.80 का 0 में 6310 आ रहा है, 6310 आ रहा है, टेबल के अंदर, है ना, कैसे, वहां पर देख लेना टेबल, यहां पर स्क्रीन के ऊपर मैं फ्लैश कर देता हूं वैल्यू उसको, ठीक है। तो ये, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां डेसिमल लगाऊंगा, इनटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहां पर देखो तो -4, जो इधर वाला है वो पावर बन जाएगी इसकी -4। तो पॉजिटिव वैल्यू को देखने का तरीका अलग है और नेगेटिव वैल्यू को देखने का तरीका अलग है, समझ में आई बात ये चीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एंटी लॉग, तो लॉग देखना हो या क्या देखना हो, एंटी लॉग, इन दोनों के लिए मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, है ना। यहां पर मैं आखिरी में एक और बार जैसे कुछ ले लेता हूं, यहां पर जैसे माइनस का 2.40 कर देता हूं, यहां पर मान लो ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, फिर मान लो कि एक और ले लेता हूं यहां पर एंटी लॉग माइनस हटा देते हैं, यहां ले लेते हैं 20.34 ऐसे लिख देते हैं, मान लो जो इसके लिए करना है मुझे, तो सबसे पहले तो इसको सही ऑर्डर में नहीं है, सही ऑर्डर में लिखो, तो सही ऑर्डर क्या होगा इसका बताओ, तो इसका हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा 3 पे बार और इसका हो जाएगा 0.60। अब मैं इसको देख सकता हूं, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके। अब जरा देखो बच्चों स्क्रीन पे, यहां पर देख लेना है साइड में की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं यहां पर, कि एंटी लॉग में 3.60, तो यहां पर 60 के जीरो में जाऊंगा, 0.60 के किस में, जीरो में, तो जाओ देखो मेरे पास तो टेबल है रेफरेंस के लिए, तुम भी देख सकते हो 60 के किस में बच्चों, जीरो में, 60 के जीरो में 3981, यहां डेसिमल लगाया और 10 की पावर क्या कर दिया, -3, जो यहां हो गया आंसर। यहां पर आ जाओ, ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.34 के जीरो में जाओ, 0.34 के जीरो में जाओ, 0.34 के जीरो में, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर लिखा नहीं है, 0.34 के जीरो में, 34 के जीरो में, 2188, डेसिमल यहां लगाओ, एक के बाद ही लगाओ, और इंटू में 10 की पावर 20, जो ये आएगा, ठीक है।
इस तरीके से देखते हैं हम लोग यहाँ, है ना, बड़ा आसान सा होता है ना कॉलम, आपको पता ही बच्चों कि यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक डिजिट है, फिर यहाँ 1 से लेकर 9 तक डिजिट है, है ना, इसी में देख रहे होते हैं हम लोग नंबर। तो इसी तरीके से हम लोग एंटी लॉक देख सकते हैं। आई होप आपको ये ब्रीफ वीडियो के अंदर, छोटे से वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, आपके लाइक हमारे लिए अप्रिसिएशन के बराबर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, ये अपने जितने भी बेसिक के फंडे हैं वो सारे क्लियर कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।